बचाओ दोस्तों, ऐसा क्यों चिल्लाए रणवीर? क्या हुआ रणवीर को? क्या घर में कोई है उलझन या फिल्मों का है टेंशन? अरे भाई, रणवीर को किस चीज से बचाओ? खबर मजेदार है पर टेंशन देने वाली भी है, जिसका शिकार बॉलीवुड के कई एक्टर्स बने, आज उससे रणवीर भी जूझ रहे हैं। क्या आप कीजिए गेस, तब तक मैं देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बचाओ दोस्तों, क्यों रणवीर बोल रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड के पावर पैक्ड मोस्ट एनर्जेटिक किंग एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही पापा बनने वाले हैं। इसी वजह से धीरवीर सोशल मीडिया पर काफी छाए भी रहते हैं। पर अब जो खबर हम रणवीर को लेकर आपको देने वाले हैं, वो ये नहीं कि वो पेरेंट्स बनने वाले जल्दी, बल्कि उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लिखा है बचाओ दोस्तों। आखिर इसके पीछे क्या है वजह, लेट्स फाइंड आउट। दरअसल सामने आई इंस्टाग्राम स्टोरी में रणवीर सिंह ने डीप फेक पर बात की है और वो इसी चीज से परेशान भी है। हाल ही में रणवीर डीप फेक का शिकार भी हुए और इसी पर अब उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने लिखा है डीप फेक से बचाओ दोस्तों। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर रणवीर सिंह कब और कैसे डीप फेक का शिकार हुए, तो आपको बता दें कि बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ था जहां वो वाराणसी में काम के सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने कुछ और ही बोला था। मैं चाहूंगा कि अगली दफा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊं, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊं, मेरी माता जी बहुत खुश हैं। सुना आपने क्या कहा था रणवीर ने, पर अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि एक्टर ने कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट मांगा है। जी हाँ, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई ना, जैसे रणवीर की हुई। इस वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पाल ने भी अपने एक्स प्रोफाइल पर शेयर किया। वीडियो में एक्टर हालिया सरकार की बुराइयां करते भी दिखे, लेकिन ये वीडियो डीप फेक था। एक्टर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और इसकी कंफर्मेशन तब हुई जब रियल वीडियो भी सामने आ गया। ये वीडियो एक्टर के वाराणसी दौरे के दौरान ही लिया गया था, जिसमें एक्टर वाराणसी और उसके घाटों की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि वो यहाँ अपनी मम्मी और धर्मपत्नी के साथ आना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि अगली दफा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊं, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊं, मेरी माता जी बहुत खुश हैं। एक बार फिर से सुनिए, उन्होंने ये भी बताया कि वो महादेव के भक्त हैं और काशी में आकर उन्हें अलग ऊर्जा महसूस हुई। अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा थी, अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जब आरती की, तो एक अलग एनर्जी, अलग पावर आ जाता है, महसूस होता है अंदर, और सभी उस एनर्जी में लीन है। अब इस बात का बतंगर बनाकर डीप फेक वालों ने रणवीर के साथ खेला कर दिया। तभी रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा बचाओ दोस्तों। किसी ने डीप फेक के जरिए कुछ और ही वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, तब से एक्टर काफी परेशान है। तभी एक्टर ने सोशल मीडिया हैंडल से स्टोरी पोस्ट करके अपने फैंस तक ये बात पहुंचाई कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। आपको बता दें, एक्टर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो के शो स्टॉपर बने थे। इस शो का आयोजन वाराणसी में हुआ था। इस दौरान रणवीर सिंह के कई वीडियो सामने आए जो काफी वायरल हुए। अब इसी बीच इस वीडियो ने भी हड़कंप मचा दिया। साथ ही बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।